يا أكرم الخلق المعجنون به، سواك عند حلول الحادث العام، إن الله وملائكته يسلم عليك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बंदे आते जाने के लिए
इमाम अहमद भी आए चले गए, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई भी आए चले गए, इमाम मोहम्मद रजा भी चले गए। बंदे आते ही जाने की, बंदे आते रहेंगे, बंदे जाते रहेंगे, लेकिन असल मकसद ये होता है कि सिर्फ हम याद तक महदूद न रहे। मैं आपको दावत दे आओ, सारे खाले हुसैन बन जाते हैं। ये काम हो गया ना, नारा मारना सब खैर, ये काम हो गया। और किला हमारे हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े लोगों की बड़ी बात है, आपके पास ना कोई बंदा आ गया, आके कहता है ना वो उम्र लग रही है, बंदा लपड़ लिया को पता नहीं लगता, नहीं भी गंदगी होती है। देखो ना हरी दिन चढ़ा हुआ है, तो अगर मैंने भी काली लगा मुझे तो फिर काली नजर आए, तो भाई अपनी है ना ठीक कर, बंदे से ढेर कर रहे बंदे से ढेर, वो अपनी है ना पता तेरी है ना तेरी, तो मैं है की तनकीद वाली लगा। कोई सवाल है नहीं, मैं आमों की बात नहीं करता, हम बोला मौलवी लोग बड़े पिसर नहीं है, हम बस बड़े अजीब लोग हैं। मैं किसी एक बेचारे को बात ही छोड़ दू, मैं प्रोग्राम पे था परसों, मेरी आवाज से कैसे कर रहे हैं, मुझे अभी बुखार आया था, मुझे बुखार चढ़ा हुआ, मैं असर की बात करना बैठा कर रहा पहले जरा चल रहा, मैं रजू के घर में बैठा ना धूप से अपने वजूद को गर्म कर, मैंने सर से पग उतारी, वहां से मैं तो दो तीन बंदे मुझे मिल गया, मुझे तो नहीं पता था बंदे आ रहे हैं, मैं इसी तरह नंगे सर बैठा होता जमीन के ऊपर चटाई धूप बुखार से मुझे लगा, उन्होंने जवाब मुझे नंगे सिर देखा ना, मैं उन्होंने कहा था किसी को, मैं उन्होंने कहा था किसी को ये चीज नंगे सिर बैठ दो जी, उन्होंने मुझसे इतने भूखे रवैये में उनकी माँ को बता, मैं मेरा दिल करा नहीं रखू, मैंने इतना ना मुझे डिसाइड किया, इतना उनका भूखा रवैया था मेरे लिए, सिर्फ ये मेरे सर को सोकर कुछ नहीं था, मैं धूप में बैठ इतना जी उन्होंने डिसाइड किया, मैं आपको बड़ा मैंने उनको कोई बात मैं कुछ बोला था नहीं, लेकिन खाने की बारी आई ना तो उन्हें एक बात है जो करें आपने दसिया कि मैं बहुत बड़ा रिटायर था, वो खाने खाते बड़ा खाना खाते मैंने कहा एक अर्जी पेश करा जी मान लो, हाँ जी मैं क्या हजूर के दाते चुकना सुन लेते थे माफ करना भी सुन लेते उसने ध्यान रखना भी चाहिए, लेकिन उसको मेरी बात नहीं सुनती क्योंकि मैं उसके काबिलों में वली ईमान वाला और वली मुत्तकी, ये दो मैं
तो मैार ही नहीं है। आप पता नहीं है ये ख्याल लेके जा रहे हैं अगला किस रात में बैठा हूं, उस वक्त उसकी क्या कैफियत है, उस वक्त उसका क्या हाल है। बस ये देखो जाके अकीदे का ठीक है, हाँ जी ठीक है, उसके बाद देखो मुत्तकी है, बात खत्म होगी, दूसरी तो बात ये बिल्कुल अपने अपने कोई बंदा आसमान तोड़ के दिखाए, कोई बंदा चांद नीचे ले आए, कोई बंदा सूरज को टुकड़े टुकड़े कर दे, तो फिर भी वली नहीं जितनी देर दूर की शरीयत में, कोई जो मर्जी कर रहे, कोई मट्टी को सोना कर दे, कोई सोने को मट्टी कर दे, हैं कोई लड़के को लड़की कर दे, कोई लड़की को ये शौक दे सारे मिलाए कर उसे तब देखो ना मेरे जी हम पे पांच नमाज़ फर्ज और महबूब ने सलाम जो महबूब है जिनके लिए अल्लाह ने सारे कुछ बनाया जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, हो जो न थे तो कुछ ना था, हो जो ना हो तो कुछ ना हो, उनको महबूब अपने महबूब को क्या फरमा रहे हैं, मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं भी बड़ा शौक है, मुझे भी किसी ने दावत दी रात किसी चल रहे भी उसके पास से तो थे मजदूर ने तीन मिनट की खुशी होगी चलो तो चलिए मैंने उनको गाड़ी पर बिठा लिया जो पहले वाली तकलीफ तकलीफ कर रहा था बात है वहाँ से जी जा रही ना कोई ना को बारिश ना को सोच ना को शोक बस शरीयत का मजाक उलमा उलमा का मजाक फिर उनको पता ही नहीं है मैं देख लिया शुक्र जो तेन पता सामने नहीं पता दोस्त मैं ठीक हूँ तो बात जिस टाइम की थी अरे साहब मारे उनका ना गीती है ना मौलवी ना जी का मैं भी क्या हूँ अरे साहब का मकाम बहुत बुलंद है अरे साहब दिल नहीं ना पड़ते मैं क्या रहता हूँ तू मेरा मालेदार नहीं चल रहा यार मेरे बड़ा दिल कर दिल में बड़ी गुलाब बेटा चल उतर बात से तक खाना लाओ चल हाके तेरा बेहतर कि मैं तेरे को तू बेवकूफा किस तरह निकल कर जो मजदूर है उसको क्या पका के कोट काला है नाल ते मफलर भी खा लेने उसको क्या लगे जो पाक लोग इसको बताने को पड़ता ना वली वली की तो खामोशी भी बता देती है अच्छा वो कहते
अदेवा लीते हो गए अदेवा लीते हो गए आपने वहाँ एक बात सुनाई आपने सुनने मेरे बचपन में ना बलदार में शख्स जो तमाशा दिखाता था और वो तमाशा क्या दिखाता था वो सारे लोगों को इकट्ठा कर देता था उसके पास एक गधा था तो क्या करता था गधे की आंखों पे पट्टी बांध के तो अपनी अंगूठी उतार के जितने लोग तमाशा देखने आए होते थे उनमें से किसी की जेब में डाल देते उस वक्त गधे की आंखों पे पट्टी बंधी होती थी फिर वो अपने गधे को जाके कहता था जा वही अंगूठी लेके तो जिस बंदे के पास अंगूठी होती थी हजरत जब शेख के जुनैद फरमाते वो गधा बाहर आके खड़ा हो जाता था उसको भी पता चल जाता था कि अंगूठी किसके पास है आप फरमाते हैं ऊन के मैं तुम सेब ना बताओ तो मैं वली कोई नहीं है मैं वली कोई नहीं तो जे तुम सेब दे रहे हैं तो वलियां दे नजदीक मैं उस गधे की तरह हो जाता है ये तो मजाक ही नहीं है मेरा ये मेरा एक मजाक ही कोई नहीं ये तो कोई आपने फरमाया अगर सेब नहीं देता तो वली कोई अगर सेब दे दूं तो वलियों के नजदीक में गधे की तरह हो ये तो कमाल ही कोई नहीं कमाल असल हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत है असल कमाल पांच वक्त की नमाज है हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह आप ही हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद हुए आप पूरा एक साल रहे हजरत जुनैद बगदादी के पास साल बाद ना वो बोली किस तरह बांध के अगर तुम इजाजत आपने फरमाया कि नहीं अवर्स करते हैं हजरत मैं तो तुम वली समझ के हैं तेरे जैसे वलियां नहीं गल आपने फरमाया तेरे नजदीक वली हो के क्या तुमने की हुजूर ना तुझे इंसान इधर जो पैसे कट के खड़े ना तुझे वाच को दे ना तुझे दरिया दे मसला पा के नमाज पढ़ दी आपने फरमाया चल अबू बकर तूने ये तो नहीं देखा लेकिन ये बता इस पूरे साल में एक बात भी तुमने जुनैद में खिलाफ शरीयत देखी उसने अलगी रह गल है एक साल लंघ गया एक गल नहीं खिलाफ शरीयत नहीं आपने हाथ में फड़ के चटका मारे आपने फरमाया जब जुनैद दिया ही करामत है बाकी सारे रंग नहीं लेकिन इसलिए ये वो अस करते हैं हुजूर उमर रंग गई बंदा रखते हैं वो बंदा नहीं लगा है कमाल जवाब है तुम साहब ने आप फरमाए बाबा जी मैं नहीं करूँगा बंदा लगना छड़ छोड़ कहते जरा बंदा लग बंदा लगना छड़ के करा की आपने फरमाए आप ही बंदा बन गया है आप ही बंदा बन गया आपने फरमाए छड़ दी उमर है भी बंदा लगने की कोशिश की है ऐनी उम्र को आप ही बंदा बनने की कोशिश की थी तू पता नहीं क्यों क्यों कम काम है तनकीद बड़ी सौखी है तनकीद बड़ी सौखी है खुद करके दिखाना होगा इसलिए तो मैं आप सब बच्चों को दावत कादम हुसैन साहब के जाने के बाद कोई इस चीज़ का खत्म नहीं होना चाहिए सारे कादम हुसैन पर सारे कादम हुसैन एक काम करो एक काम ओके ये दाढ़ी रहने का भाभी कुछ करनी है वो कुछ करना है बाबे ने कुछ कर लिया इन्हें जाना इन्हें जी मैं मार छे पावना डाल देंगे बस इन्हें जानना इन्हें ना रखा गया लेला ही धाम रहा दुनिया से मुसलमान सब खादे मुसलमान अब जरूरत है पाकिस्तान मुखलिस हो गई और मेरे पुत्र ये तो बड़ा काम खराब होगा अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में किस तरह जाना है सीधे सीधी के तौर का सामना किस तरह करना है एटम बम तो हमारे पास है उनके पास बचा ही कुछ नहीं ਦੇ ਬਦਲ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਕੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਉਹ 2020 ਕੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
मैं कहता हूँ आपको एटम चलाना ही नहीं पड़ेगा, नारा तकबीर में बड़ी ताकत है, तुम्हें तो एटम चलाना ही नहीं पड़ेगा। हाँ कह रहा हूँ एटम चलाओ, इंशाल्लाह अल्लाह करे कभी लोग बताए भी ना अल्लाह का शुक्र है हमारे तो नारा रिसालत में बड़ी ताकत है, हमारे तो नारा तकबीर में बड़ी ताकत है, कुर्बान जो हमारे तो नारा हैदरी में बड़ी ताकत है। तुम्हें तो एटम की लोड ही नहीं पड़ी, तुमने एक बार जितने दिल से अभी दिल से भी मार रहे थे अभी दिल से लग रहे बाबा जी खादिम हुसैन जैसा मलंग, अली दे मलंग कभी भी नहीं पीते पान,
अली दे मलंग कभी भी नहीं पीते, अली दे मलंग नु जारी नहीं की लोड़ पे उते हजरत मौला अली दी निगाह ना शराबे मारफत पीते ने हम की भंग भंगते है ए शैतान दे मलंग ने ता भंग पीते हजरत अली दे मलंग नु नहीं भंग दी लोड़ पे ओ ध्यान मारया मैं कहले रात दा वेला है सरदार भी खुल गए खैर होसी खैर होसी ओ हजरतिया बाबे रंग ला है दे हो रहा है करंट सरदार को जाओ अपना काम नहीं काम दसो बाद सरदार भी क्या मैं मेरी बॉडी भी की है गुरु कहने चेला भी सचा दिया पाया पई हथ नारायण मार बड़ा सोच के कहता है नहीं मलंगो गुरु साढ़े भी ठीक ही नहीं पर रखो बेले पैड़े है शुक्रिया बाबा फरीद है दादा साहब है सुल्तान ठीक इमाम अली बहाक लाल शबाज के अल्लाह ने सामने उतारी बड़ा कुछ कर चले फिर क्यों चोरियां खाली थी फिर क्यों अंदर दीवे नहीं बने फिर अंदर क्यों नहीं एने एने गेट स्टेशन है जी फिर अंदर नहीं रहा वजह की है ऐसे वजह मुझे बोला और आओ बता अपने मजदूर बाते रस्ते पे चले तो हम तो माले अनुभव करा दिखाए किसी को मेहनत मेहनत नहीं है सिर्फ नारे मेहनत नहीं इब्राहिम बादशाह जी ने अल्लाह की मापत पलक की बादशाह ठोकर मारे अरे जी होंगे मैंने कहा हमारे पास तो खोखले नारे हैं हमसे तो चार वाह भी रखे जाते हैं असि बुढ़ी नहीं लड़ सकते तो चले मरान खाना लड़ना हकीकत है पुत्र नहीं हम उससे डरते हैं चले अमरीका से लड़ाई में चले फ्रांस से लड़ाई में तू उन्हें क्यों डरना है बीबी को तेरे को चार वाल नहीं रखे जाते थे डर भाई और क्या वजह है दाढ़ी में रखने की बताओ मुझे पूछ के क्या इशू है दाढ़ी का मुझे तो इसकी और वजह कोई समझ नहीं आती या मैंने दाढ़ी रखी है तो मैं जवान नहीं रहा या मैंने दाढ़ी रखी है तो मेरे बच्चे नहीं हो या मैंने दाढ़ी रखी है तो मैं क्या मुआशरे का कोई वखरा फर्क हो गया इसके मुस्तफा के बड़े रंग है मैं क्या क्या वक्त मेरे पास थोड़े से थोड़ा होता जा रहा है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला भाई आप मुझे भी कर लो मुझे भी मरने से बड़ा डर लगता है झूठ पे बोले कि मैं बहुत बड़ा सूफी
दुनियादार लोग हैं, दुनिया से हमने प्रीत लगा दिया, लेकिन देखो जिनकी प्रीत उनसे थी है। तारीफ क्या थी, मैंने कभी हजरत बिलाल को सजे नहीं देखा, जब भी देखा मौज़े ने रसूल को सादे देखा। तारीफ क्या थी, देखा तो सिर्फ एक दिन देखा, उस दिन सारे हैरान हो गए, बोला जी की हजरत बिलाल क्यों अड्डे तैयार, उस वक्त की तैयारी होगी, कपड़े भी नए हैं, गाड़ी में तेल भी लगा, पुष्प भी पड़े हैं, लगता है वो खास ही होता है। सारे हजरत ने दुआ की अर्ज़ की थी, ऐ मौज़े ने रसूल लगता है वो खास होता है, आपने फरमाया खास तू भी खास, अर्ज़ की थी कि ये खैर, फरमाया आज मेरी मौत नहीं है। लोगों ने अर्ज़ किया हजरत कोई अपनी मौत से भी इतना खुश होता, आपने फरमाया तुझी जमीन दे लगी मैं तो बड़ा खुश, अर्ज़ की थी उस गुरु क्यों, फिर मैं मौत पे डर गई मेरे लिए महबूब ना मुलाकात है पैगाम है, मेरी मौत मेरे लिए पैगाम है फसल, मैं मौत ही पे आयो जिन्हें महबूब को रोक लिया, लेकिन फिर उन्हें बह के उड़ी कर देते सुन करके रखो अल्लाह के फजल करम से, ये सुन कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर आप में से किसी नौजवान को इस बात का इशू है, कोई रिश्ता नहीं देगा, तो मामा लगता है रिश्ता ना देने में, कहते मैं वहाँ आदर खिदमत हुआ, फिर दो सलाम पेश किया अपने मामों को, लग गया कहते एक दिन भूखा लंघ गया, दूसरा दिन लंघ गया, तीसरा दिन लंघ गया, चौथा दिन लंघ गया, फरमाने में पंजवा दिन भूखा आया ना, और मेरी मेरी बर्दाश्त जवाब देगी, ऐ मेरे फरमाने में मैं किसी शेख के दरवाजे से नहीं गया, किसी की जेब से आँख नहीं रखी है, किसी से कोई आसमीद नहीं लाई, जहाँ तक ऐसा होना कली है, फरमाते मैं हाजिर खिदमत हुआ मेरा मुबारक, फिर जाकर दरूद व सलाम पेश करके उसकी महबूब आपका मेहमान हूँ और पाँच दिन का भूखा, कहते यजीद पेश करके मौजूद नबी इस्लाम की मिंबर शरीफ के पीछे जाते सो गए, कहते जब सोया तो ख्वाब में क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, हकीकत में भी सोया हूँ तो ख्वाब में भी क्या देखता हूँ कि सोया हूँ, और कहते आके मुझे हजरत मौला ने फरमाते मैं बेदार हुआ तो मौला फरमाते हैं अबुल खैर तू सोया पड़ा है, देख महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मैं हाजिर खिदमत हूँ तो क्या देखता हूँ, दाएं जानिब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, बाएं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, तो हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबुल खैर तो वो खाएं पाने दें दा साडा परोण ने अल्लाह से रोटी खा है, हां जी हां जी अरे जी चले यार सिर्फ होना दा ओ एक ख्वाब जाग रोटी को आगे जान से है, तुझे क्या पता हुज़ूर कितने करीब हैं, अल्लाह हजरत ने सारे शार को नहीं पढ़ूंगा, कमाल लिखा आपने फरमाया नजर ये रूह में आसानी दे कलिमा याद दिलाते हैं, मरकद में बंदों को थपके मीठी नींद सुलाते हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ हो वहां फरमाते ही हैं, मां जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ही हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ही हैं, राफे दाफे शाफे नाफे क्या क्या रहमत कमाला के फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है, वो फरमाते मुझे हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने रोटी नहीं फरमाई, साथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबुल खैर खा, कहते मैंने थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ के मैंने खाना शुरू किया, कहते मैं रोटी खा रहा था और साथ ही साथ चेहरे पर दुआ की ज़ियारत भी कर रहा था, अजय तू मेरा महबूब नहीं टुटा है ना, जिन्हों वेख के चंद कुर्बान जाऊं, ये तो हजरत यूसुफ का हुस्न है, वक्ता ना आई दिया हुन, वक्ता ना आई दिया हुन, वकुल ना हाशा लिल्लाह मा हाजा बश इन हाजा इल्ला मलकुम करीम, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फिर क्या फरमाती हैं, फरमाती हजरत यूसुफ को देखने वाली उनसे अपनी उंगलियां काट दी, कभी वो मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट देती है, इसीलिए तो फिर किसी ने कहा था ना ऐ जुलैखा इनको नस्बत अपने यूसुफ से ना दे, ऐ जुलैखा
इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। ऐ उथे वेख के भी कटियां ते उंगलियां ते बगैर देखे, बगैर देखे गाजी मुमताज कादरी शहीद है, ऐसे बगैर देखे गाजी नूरुद्दीन शहीद है, ऐसे बगैर देखे बाबा जी खादिम हुसैन है। लेकिन पढ़ता हूँ लिखते क्या है, लबा सुरखा खा के बड़े बड़े इतने लोग होंगे ने साड़ी बीबियां गल फरमाए कि सुरखी आंदियां हैं लाल कर, लेकिन हमारे महबूब अलैहि सलाम के लबाहे मुबारक कुदरती तौर पर इतने सुरख और इतने हसीन और जदीद थे कि पीर मेरे निशा फरमाते हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लबा सुरखा खा के लाल चिट्टे दंद मोदी दियां हैं कलियां है। माँ अहसना का माँ अकमन का किथे मेरा ली किथे तेरी सरा, मुश्ताक कियां किथे जाड़ हमारे कुदरत का उसने दस्तकारी, वाह वाह तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह अजय तू मेरा महबूब ने पुत्र मैं आप सबको दावत कितने बच्चे बैठे मेरे मेरे की इंशा फरमांदे ने सना फरमांदे सन और संगिया का खरा कोई संगिया कख रख ले, किसी ने की थी हजूर की होएगा कख रखे, आपने फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। मियां जी जो तुम पंजाब कॉलेज पढ़ते हो तो यूनिफॉर्म फिर पंजाब कॉलेज वाले ही पाने, नहीं तो उन्हें नहीं जो पढ़न देना होंगे उन्हें कहना तेरा यूनिफॉर्म ही नहीं पंजाब कॉलेज, चल जा काम कर जाके, जो तुम सुपीरियर पढ़ते हो तो यूनिफॉर्म सुपीरियर वाला पाना पैना, नहीं तो उन्हें अंदर नहीं पढ़न देना। कल जब हजूर की बारगाह में हाजिर हुए लल्लू देना और फेर दिया क्या पले रह जाएगा तुम्हारा, मैं आपको प्रमोशन में ब्लैकमेल नहीं कर रहा, आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है तकरीबन आप सारे स्कूलों के पढ़े, मुझे तकरीबन अपने सारे टीचर याद है लेकिन एक टीचर मुझे बड़े याद है, उनका नाम था सागर सर, इंग्लिश के टीचर बड़े डाडे टीचर थे, सर्दी है वो मार मार सोटियाँ लेकिन अगर अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इतने पक्के टीचर थे कि कभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना कभी बारिश आई ना कभी ना कभी साइकिल, जब भी वहां भी छोटियां पड़ी हैं। तो मैं कहता हूँ जल्दी एक एक टीचर जो कि आम इंसान थे हमारी तरह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मेरे टीचर थे, उनकी दाढ़ी नहीं थी, सड़क पर टोपी वगैरह नहीं पहन, फिर भी एक खौफ होता था यार सबक नहीं याद है, साबर साहब का सामना कहता यार सबक याद ना आए तो साबर साहब का सामना नहीं था, वो चलिया कर हजूर का सामना कि किस तरह जाएगा कल नहीं सलाम डर जाएगा, और जुर्म की तरह गड्ढा वड्डा तू हजूर छड के औरत को खुश करने की गाली नहीं लगी, चल को वजह भी तो हो ना, वजह है ही कोई नहीं, जड़ी मर्जी वजह ला आया झूठ बोलते हैं, कोई 500 का नोट देने से आज के नबी नहीं होता, कोई हजार की थी खोल के फेंकने से हुजूर का आशिक नहीं हुई, वो हुजूर जो हुजूर के जनवन आशिक थे अगर वो खता करते तो हुजूर से गवाह हो जाते, या रिवायत मौजूद नहीं है, सोने की अंगूठी पहनी हुजूर से कफा हो, या रिवायत मौजूद नहीं है, सच्चे ने फेर दिया,
वो जिन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने, जरूर तुम्हें भी नाराज हो, तुम ही अपनी घर बैठा है कि दूसरे बेटे ना था तभी तो मैं कैसे समझ रहा मैं अपना बेटा ठीक हो गया। असली पुत्र सारे होश में आओ, गलतियां मुझे में भी पड़ी हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ना जहाँ मुझे वो माफ करने के लिए सोनी करके पुत्र दाढ़ी रखो, जरूरत है यार तू मियाँ चौक चलो के फ्रांस में 10,000 गाला काट, फ्रांस में की फर्क है, तू पाकिस्तान शक्कर कट खड़ोता ना, वो फ्रांस बैठे थे आ मियाँ दाढ़ी रख तू एनजीरी में फ्रांस होते 3,000 बाप जिनकी मिस्री कोई नहीं, ये मुझे क्या काके बनाएंगे गधे के बच्चे, काके उसने किसी अपने अबू के बनाए, उनकी तो मिस्री कोई नहीं है, उनके काके कौन बनाएगा, उनके खाके कौन बनाएगा, जिनकी मिसली कोई नहीं, जिनको देखने वाले कहते हैं कि हमने जैसा सोना देखा ही कोई नहीं है, वाजबल मिन का दम तारा कट हुआ ही नहीं, वाहसम मिन का दम ताली दिन निसा, ये शाबी का कीता है, पर मैं इतना सोना माने पहले ही कोई नहीं किया, उन्होंने क्या उनके खाके बनाने हैं, वो उन्होंने किसी अपने के बनाए होते हैं, हमने तो हम जिन्होंने देखा हमने तो उनसे वो सुना है अल्लाह फासूर का काम के ला दे ये बन इन्होंने किसके खाके बनाने हैं, हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं मुख चंद बदब शाशानी है, वो मथे चमके लाल मुलानी है, वो काली जुल्फ के आंखों मस्तानी है, मखमूर रखी है नमाज इन्होंने क्या खाके, हजरत बिल्ला बिन सलाम जो यहूदी आलिम थे देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है, सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर ने अपने बचपन के कुछ अय्याम वहां भी गुजारे हैं, ठीक है, कौम की बड़ी बेटी थी हजरत शीमा जो बकरियां चराने की ड्यूटी उनके जरिए रोज बकरियां ले जाती थी, रात को ले जाती थी, एक दिन क्या हुआ हजरत शीमा ने बकरियां लेके जाने से इनकार कर दिया, हजरत रीमा ने पूछा क्यों, वो आगे से कहती है अम्मा मेरे को रुकर लिया बकरियां चराई मेरे ना किसी ने भेज, हजरत रीमा कहती है शीमा तू कैसी बात कर रही है, बाप जरा बूढ़ा हो गया, अगर मैं तेरे साथ बकरियां चराने जाऊंगी तो घर को कौन देखेगा, बात क्या है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पीते बच्चे थे, हमारे हुजूर का बचपन है, बचपने की भवन है, वो इशारा करके कहती है अम्मा इस तरह करो भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मेरे साथ बतौर मददगार दो, वो मौलवी अल्लाह तआला ने हिदायत दे साडे हुजूर तो बचपन च भी लोगों के मददगार हैं, बात ही ना समझ नहीं आने वाली, हजरत रीमा कहती शीमा बात क्या है खुल के बयान कर, वो भी खुद दूध पीते बच्चे हैं तेरी मदद किस तरह करेंगे, अरे तो शीमा कहती है अम्मा जी मेरी मदद वो करते निकाली तो बात क्या, बात क्या है, तो कहती है अम्मा एक दिन तू नहीं थी, मैं तेरी गैर मौजूदगी में तेरे पूछे बगैर नहीं गई, उस दिन मैंने कुछ बातों का मुशाहदा किया, अच्छा क्या किया तूने, कहती है अम्मा तू जानती है बाहर कितनी दूर होती है, लेकिन जिस दिन मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम को साथ लेके बाहर निकली जैसे मैंने बाहर कदम रखा एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया, जहाँ जहाँ गई बादल साथ गया, अम्मा ना बादल पहले आया ना बादल बाद में, मैं समझ गई सीमा तेरे लिए भी बादल रहना भी आ गया है, अम्मा सारे बैठे हुए थे, मैं भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिए बैठी थी, एक राहिब आ गया ईसाइयों का पीर जो नबी को भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चेहरे और दुआ को देखा तो आ गए, कहते अगर इजाज़त दे तो मैं थोड़ा उठा लेता, पहले तो मैं घबरा गई फिर मैंने दे दिया उठा लिया, आपको चुनता था नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को अपने जिस्म से मस करता था, रोता था, तो फिर मेरी गोद में वापस हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को रखते हुए कहने लगा लड़की देखना एक वक्त आएगा ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पीछे खड़े, हजरत नूह भी पीछे खड़े, हजरत मूसा भी पीछे खड़े हैं, पहले आने वाले पीछे हैं, बाद में आने वाले आगे हैं, आया वक्त है देखा। अच्छा तीसरी बात अम्मा तेन पता है
बकरियां सारे दिन खानिया रखते रहती हैं, इसी तरह बकरी। और दूसरी बात माए हैं बड़ी शरीर, एक बकरी दस दिन फड़ के नहीं आती, दूसरी दस जाती, दूसरी फड़ के ले आने तीसरी दसी होगी, अम्मा सारा दिन थक जाती है। लेकिन अम्मा जिस दिन मैं भाई मोहम्मद रही शराब को लेके गई, तुझे क्या बताऊँ, कोई बकरी भी नहीं खाती, मैं एक दरख्त के नीचे इनको अपनी गोद में लिए बैठी थी, तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा घास चारा खा के सारी बकरियाँ एक एक करके आके सामने बैठ गई। तो फिर अम्मा हुआ क्या, सारा दिन मैं भी हुजूर के चेहरे को देखती रही, बकरियां भी हुजूरी को देखती रही, की ये जाज नजर विच तेरी है, जेड़ा आवे ओ बिक जावे, की ये जाज नजर विच है, पता जी इतने पुत्र बच्चे बैठे हाथ जोड़ के सब क्या कहते हैं, मैं तेरी पुत्रा की शाम करने ना, मुझे मेरे बड़ों ने सिखाया है, हमने बड़ों ने बड़ों ने हमने अपने बड़ों से यही सीखा है, हुजूर भी देते हैं सारे थे होश बैठे थे। मैं भी पसीनो पसीनो हो गया, बड़ी गल बड़ा औखा, हम बहुत इकबाल ने 100 साल पहले था, इकबाल कहते हैं मुशनी स्कूलों का बैनर बना गया ये खुशामदी है, और हमारी स्टेजों का खुशामदों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, हमारी स्टेजों का खुशामदों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, जिसे कल जरा यदि जेब की जरा वाह भी कर दिया ने यो तो गया उत्ते जनाब उन तो सी जरा मैं पता नहीं कितने छड़ के आवे बेड़ा गर्क हो रहा है सुन कर मैं ऐसे हूं जाते खुद ही पाइल पैर करे बड़े ठंडे और फिर भी शुरू हो जाता है, नहीं अगर जो पैर का नारा मारना हमने तो फिर वो बैग नहीं अपनी खादम हुसैन भी जरूर ठंडी है, वो जड़ी आग मैं ला के आया वो ठंडी नहीं हुई कोई पुत्र हाथ जोड़ के जे ना ठंडे हो जड़ी आग बाबा जी ला के ठंडे ना ला के अल्लाह का शुक्र है ये हर पाकिस्तानी की आवाज बन जाए ताज दौरे खत्म हमारे बच्चों को ये नारा याद हो ताज दौरे खत्म नबूवत, हमारी बच्चियों को भी याद हो ताज दौरे खत्म नबूवत, बड़ी बड़ी हिम्मत है, हम बड़ा सफर करते हैं अल्लाह की कसम है हैरानगी होती थी, मेरे बाबा जी ने बहुत फर्क है, मेरी 35-37 साल उम्र, बाबा जी माशाल्लाह 55 साल मजदूरी तो ना दी, लेकिन देख लो गनी हक बता पा, अब सिर्फ नारों पे इत्तेफाक है, करो आओ सारे बाबा जी खादिम से फिर देखो अली गुलाम अलैहि सलाम क्या किया था, हजरत बस ये आखिरी बात में हजरत शेख अबू बकर आपके अफरमत नबी सलाम ने अपने दस्ते कर्म से रोटी नहीं तो साथ फरमाया खा, कहते मैं रोटी खा रहा था साथ नबी सलाम के चेहरे पर दुआ की जा रहा था, कहते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खा तोड़ते ना तो माते मुझे याद है मैंने आधी खा आधी मेरे हाथ में थी, ये नहीं कि मैं खाना नहीं चाहता था, मैं खाना चाहता था क्योंकि वहाँ रोटी नहीं थी, वो अताए मुस्तफ़ा थी मैं खाना चाहता था, मेरा जी चाहता था कि मैं इसको पूरा खाऊं, लेकिन फरमाते खा नहीं सका, आँख खुल गई, सुखने दे विच मिले अमर ते गल विच पानी ना डरदी मारी आँख ना खुलना कितने फेर विछड़ने डर, फरमाते लेकिन आँख खुल गई है, आँख खुल गई, मैं नहीं सारी रोटी खा सकता, आँख खुल गई, लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊँ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की अताओं पर भी
कहते हैं आपके खोल गई लेकिन नदी रोटी फेर भी हाथ से किसी आपके खोल गई लेकिन नदी फेर भी हाथ से किसी फरमाते कुर्बान जाऊं है उनकी अताओं पे फरमाते जो पास बिठा के खिलाई थी उसका जायका भी मुंह में मौजूद था ये बिल्कुल हम झूठे हैं उर्दू को जो सादगी को जो तू मांग अपने नबी अलैहि सलाम से वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया तुझे हम है खुदाया तुझे हम है कितने पुत्र बच्चे बैठे अपनी जवानियां पकड़ कर अपनी जवानियां साफ सुथरी मुझे पता है कि आपको इस वक्त की चैलेंजेस का सामना अगर किसी ने जवान बच्चे ऐसी परेशान थे अल्लाह मुआफ़ फरमाए बाजारों में बीबियों के कपड़े हैं जल्दी हो गए असी परेशान क्योंकि खा बंद करके इतनी गड्डियाँ चल रही हैं अरे हम तो सारा दिन सड़कों पर रहने वाले लोग हैं कभी इधर देख कभी इधर देख लेकिन जिधर देखते हैं बस बोलते हैं लेकिन इकबाल कहता तू ना परेशान तो तू तो अभी भी पाकिस्तान में रह रहा है जहाँ भी कपड़े हैं कभी भी अल्लाह का बड़ा फजल करें बड़ी पाक बच्ची हैं बस कुछ हमारी बेटियाँ चल निकली हैं अल्लाह उनको हिदायत दे तो इकबाल कहता मैं तो वहाँ से भी हो गया जहाँ कपड़े कोई नहीं सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा खुलदाई दरबार मोहम्मद अरबी का फिर गया पिंड सौ गया सब इस टाइम उत्थे पहुंचे तो देखा सिख
नंगी तलवार लैके ना कोठे ते पैना पिया था, फिर डर के नस गई। अगले दिन फिर पैगाम आया, तू आया मैं क्या तेरे अंदर दर्द आ रहा है, जुम्मे भी पहले नहीं आया। अच्छा आखिरी रात है आज, उसी जुमे रात बाबा जी उसे महफल होंगी चरकपुर से, उन्हें कहा चलो महफल अटेंड कराऊंगा, लंगर शंगर खा के पिंड सो सो जाएगा। लो जी महफल अटेंड हो गई, सलाम पढ़ कर कहा लंगर खा लिया, हूँ आके लाइन च लग गया जिन्हें साढ़ा तरीका है पीर का चुन गया, उन्हें आके बाबा जी का हाथ पढ़िया, चुम के जो छुड़वा लगना तो हाथ पढ़ लिया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम दे शेर फरमाया संगी किन्नी मेरी सन सिख दो रात हो गई ने सिख बन के पहरा दे सारे बच्चे भी बहुत कीमती है, निकाह करो बस निकाह करो ठीक, दुआ करो कि निकाह दे टाइम सुना तरीका है कि नबी ने सलाम पुकारिया। आप पुत्र तुम मदीने तो शकरगढ़ दूर कर चढ़े, शकरगढ़ मदीना दूर कर चढ़े, मदीने तो शकरगढ़ कोई नहीं दूर है। हाँ हमारे भी ऐसे व्याह में बैठे लोग भी बड़ी दूर है, चल भाई तेरे भी दूर होगा लेकिन उन्होंने शकरगढ़ नहीं दूर को सुनते ने तू सुनाया करो ये अनाथ खान की गलते जोश आया तो चार नारे खड़काते रहे बाद सब नहीं दुश्मनी अहमद बशीर की मुलहदों की क्या मुरम्मत की जिक्र उनका छेड़िए हर बात छेड़ना शैतान का मिसले फारिस जलजले हो नजद में जिक्र आयते विलादत की हर मेरे हुजूर याद हर मेरे नबी ने सलाम किया और वह हुजूर नहीं बचा जाता बचा तो मैं पुत्र हूँ मेरे कलना मकत की बस अल्लाह दे रंग राव और अल्लाह दे हर काम जीवित रहती ये टाइम होगा ऐसे भी डर लगने इसके अंदर ही क्योंकि हर गल नहीं आती होंगी कि तू बैठते चढ़े जा क्योंकि अल्लाह पूरी फरमा अल्लाह जड़े आए सामने की साढ़े लेट होने की वजह